एससीएसटी में क्रीमिलेयर बनाने के विरोध में आज विभिन्न संगठनों ने कोटा शहर में कई जगहों पर रैली निकाली और अलग अलग जगहों से शुरू हुई रैली उमेद सिंह स्टेडियम पहुंची, जहां हजारों की संख्या में लोग जिला कलेक्टर की तरफ रवाना हो गए और इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दिया। वहीं ये रैली जिस रास्ते से निकाली गई वहां की दुकानों को आंदोलनकारियों ने पूरी तरह से बंद करवा दिया। रैली में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने संविधान से छेड़छाड़ नहीं करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी बदलने की मांग उठाई। वहीं राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया। आज हम हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए यहाँ पे आए, अधिकारों की लड़ाई करने के लिए आए। सरकार से हमारी यही विनती है कि आरक्षण से जो छेड़छाड़ की गई है उसे हम किसी भी समय में किसी भी सूरत में उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे आरक्षण में जो बंटवारा करने की सरकार ने ठान रखी है उसको हम कभी भी उनकी मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। हमें हमारा आरक्षण हर हालत में चाहिए। एसटी में हम बिल्कुल भी वर्गीकरण बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्रिमिनलियर बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे और जो कॉलेजिंग सिस्टम कर रखा है उसे भी हम बंद करना चाहते हैं, हम बिल्कुल भी उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार से यही ख्वाहिश है हमारी, आज भारत बंद है, इसी के आह्वान में हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारे आरक्षण में जो भी छेड़छाड़ की गई है उसे वापस लो। संविधान की रक्षा करने के लिए हम यहाँ पर सबके सामने खड़े हुए हैं। कृपया हमारे आरक्षण के लिए हमें इतना परेशान ना करें कि सरकार को हम इतना इतना आक्रोश ला देंगे कि उन्हें सरकार को बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमारी परेशानियों को सामना करना पड़ेगा उनको कि कैसे उन्होंने छेड़छाड़ कर दी। निकाली गई है दिनांक 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया और उस आदेश में कहा गया कि जो भी SC ST को आरक्षण दिया गया है उसमें और वर्गीकरण किया जाए, अलग अलग जातियों को अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से आरक्षण दिया जाए, साथ ही क्रिमिनलियर में इनको लेने की कोशिश करें ताकि क्रिमिनलियर के ऊपर जो भी हैं उनको हटा दिया जाए, एक जो लेयर है क्रिमिनलियर की वो क्रिमिनलियर में आए। क्रिमिनलियर में आने के बाद में मैं एक ही बात करना चाहूँगा कि जब आरक्षण दिया गया था बाबा साहब ने, संविधान में ऐसा कुछ कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि ये आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया हो, ये सिर्फ सामाजिक आधार पर दिया गया था। आज हमने पूरे कोटा में रैलियाँ निकाली, 7 जगह से रैली निकलकर अपने स्टेडियम आई और स्टेडियम में सब ने इकट्ठे होकर सबके सब जितने भी रैली में आए थे लगभग 5-7 हज़ार व्यक्ति आकर यहाँ पर अपने कलेक्ट्रेट तक आई और उसके बाद में हमने एडीएम साहब को माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया, जिसमें हमने मांग की है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा सत्र बुलाया जाए और ये जो उन्होंने पारित किया है नियम उसको चेंज किया जाए, उसको बदल दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए।